हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल जर्नी विद पूजा। सो टुडेज वीडियो रिलेटेड विद मैं अनविका के मसाज कैसे करती हूँ। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय डॉटर, शी इज़ अनविका एंड शी इज़ 10 month old। ऑन दिस 3rd of April शी विल बिकम 11th month old। एंड दिस जर्नी सो फार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कुछ टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं यहाँ पर अपने बेबी के लिए वर्जन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं फर्स्ट डे से यही यूज़ कर रही हूँ एंड उसको सूट कर रहा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड अपने बेबी के अकॉर्डिंग ये देखना चाहिए बच्चे को क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं। एंड मैंने अब यहाँ पर इसको बिठाल दिया है एंड मैं थोड़ा सा वॉर्म भी कर लेती हूँ ऑयल को। इसकी जो प्योरिटीज़ होती है वो इनहेंस हो जाती हैं, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। एंड सबसे पहले मैं उसकी हेड से स्टार्ट करती हूँ मसाज करना। एंड साइड से मैं थोड़ा सा स्नैकिंग के लिए भी रखती हूँ, जिससे वो बीच बीच में एंगेज भी रहती है। सबसे पहले मैंने लेग से स्टार्ट किया है क्योंकि ये 10 month की है एंड इस टाइम पर ये थोड़ा सा खड़े होने के लिए ट्राई करती है एंड वॉक करने के लिए ट्राई करती है। तो इस एज पर हमको मेन फोकस लेग के लिए होना चाहिए, अच्छे से मसाज करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टेक्निक यूज़ करती हूँ। मेरा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, मेरा होता है कि बस मेरे को मसाज अपने बेबी को देनी है। एंड बीच बीच में मैं उससे बात कर रही हूँ, मैं उसके साथ खेल रही हूँ, वो हंस भी रही थी। एंड इधर मैंने उसके नाभि को भी थोड़ा सा ऑयल किया है एंड सारा ऑयल मैं टैप टैप करके लगाती हूँ, जिससे उसको अच्छा लगता है एंड कुछ गेम उसको फील होता है। यहाँ पर मैं उसकी फेस पर भी मसाज कर रही हूँ। अनवी को अपना फेस टच कराना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको गेम की तरह ही करती हूँ। एंड मैंने उसके हैंड पे मसाज की एंड यहाँ पर अब मैं उसके टमी को मसाज कर रही हूँ इस तरीके से राउंड राउंड करके, जैसे उसकी गैस है वो रिलीज़ हो। एंड ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अब वो बैक होना चाहती थी तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बैक की मसाज कर दूँगी। इस स्टेज पर हम बच्चे के साथ फोर्सिंग कर सकते हैं बिकॉज वो क्रैंकी हो जाते हैं एंड उसमें ना वो अच्छे से मसाज कर पाते हैं ना हमको अच्छा लगता है। अब मैंने उसको आगे ट्रे दे दिया जिससे वो उसमें स्नैकिंग में थोड़ा सा बिजी रहेगी एंड मैं उसकी बैक की अच्छे से मसाज कर रही हूँ। सो डोंट कंपेयर विद मी, क्योंकि सबका टेक्निक, सबके ट्रिप्स, सब कुछ अलग अलग होता है। एंड यहाँ पर मैंने उसको डायपर पहनाया हुआ था, अदरवाइज़ मैं उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ। एंड इस एरिया में भी आपको अच्छे से मसाज करना है। यहाँ पर मैं उसके ऑयल से काफ़ी अच्छे से मसाज करती हूँ हेड पर एंड थोड़ा सा टैप टैप करके मसाज करती हूँ। एंड यहाँ पर वो बैक हो गई थी तो मैंने उसको अच्छे से मसाज दी। हेयर्स पे भी मैं अच्छे से मसाज करती हूँ हेड पर एटलीस्ट। एंड यहाँ पर मैं उसके ईयर्स को मसाज कर रही हूँ, ईयर्स की बैक पर, बिकॉज़ ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मिस कर जाते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड यहाँ पर मैं फिर से बैक को मसाज दूँगी अच्छे से अप एंड डाउन करके। एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशन, बट जो मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर वो खड़ा होना चाहती थी तो मैंने उसको खड़ा कर दिया एंड उसके साथ मैं ये खेल रही थी। तो अब मेरा फोकस होगा उसके लेग को अच्छे से मसाज करना, ऊपर से नीचे इस तरीके से मैं अच्छे से मसाज करती हूँ थोड़ा सा टाइट फोर्स से, जिससे उसको जो भी पेन है वो रिलीफ हो। यहाँ पर मैंने मसाज कंप्लीट कर। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं अनविका के साथ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।